चलना संभल संभल की माया नगर यही है। इस संसार को माया नगर कहा गया है। क्यों? क्योंकि इस माया नगर में अपने अपने कर्म कर्तव्य को जीव भूल जाता है। मेरा क्या धर्म है, अपनी मर्यादाओं को भूल जाता है। इस कलयुग में नारियां अपनी मर्यादा को भूलती जा रही है। अब ये हीरो हीरोइन का एक ग्रुप तैयार हुआ है, जितना बेहुदा हुआ जा सकता है उसकी आखिरी सीमा को छू रहे। किस किस तरह से अर्ध नग्न है, पूर्ण नग्न है, समाज को ऐसे अश्लील दृश्य को दिखाकर जवानों के मन में सोई हुई काम वासना को जागृत करके बच्चों के अंदर भी वासना के विष को फैलाकर देश के भविष्य को अंधकार में ढकेल रहे। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े कभी भी फिल्म नहीं देखते, लेकिन वासना उनके अंदर भी झकझोरती है। और मनुष्य इतना बुद्धिमान पढ़ा लिखा है, ये इससे बचा कहाँ है? कुछ ऐसी कहानी सुनाइए, कुछ ऐसी फिल्म दिखाइए जिससे कि लोगों का मन थोड़ा शांत रहे। अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार व्यभिचार न फैले। देश विश्व बिगड़ रहा है, बिगड़ने वाला है, बहुत कुछ बिगड़ चुका है, ज्यादा दुख होने वाला है। रिश्तों की मिठास धीरे धीरे खत्म होने वाली है और रिश्ते धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। एक समय वो था, तुम रूठ जाते थे, 10 लोग मिलकर मनाते थे। अब वो समय चला गया है, तुम रूठ जाओगे कोई मनाने भी नहीं आएगा। तुम रूठ जाओ, चाहे उठ जाओ, चाहे दुनिया से चले जाओ, मनाने का प्रोग्राम धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है और मनुष्य का मन रिश्तों की मिठास से प्रसन्न होता है। ज्यों ज्यों रिश्ते कमजोर होंगे त्यों त्यों टेंशन बढ़ेगी। चाहे वो पिता पुत्र का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, माँ बेटी का रिश्ता हो, सास बहू का रिश्ता हो, गुरु शिष्य का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, गुरु भाई का रिश्ता हो, रिश्तों में मधुरता घोली है। और जिस दिन तुम एक दूसरे की फिक्र करना बंद कर देते हो, समझ लेना भीतर से रिश्ते कमजोर हो चुके हैं। और रिश्तों में जब तुम्हारे अंदर धोखाधड़ी बेईमानी छल कपट प्रवेश कर जाता है तो रिश्ते धीरे धीरे मर जाते हैं। कितने लोगों ने अपने भाई को ठगा, कितने लोगों ने अपने भतीजों को ठगा, कितने लोगों ने अपने भांजों को ठग लिया और कितने लोगों ने अपने बेटों को ही ठग लिया। बुद्धि बिगड़ गई, कहीं दूसरी जगह कनेक्ट हो गए, बेटे रो रहे हैं, उनका प्रोग्राम दूसरा चल रहा है। याद रखना, रिश्तों की कसौटी में भी खरे उतरिए और मानो तो संसार सब अपना ही है और ना मानो तो जो अपना है वो भी सपना ही है, वो भी सपना ही है। मानने का ये रिश्ता होता है। प्रेम बढ़ाइए, रिश्तों को मजबूत कीजिए,
अहंकार को खत्म कीजिए, विनम्र बन जाइए, आलस्य को दूर कीजिए, मेहनत भरपूर कीजिए। रिश्ते हमेशा परिश्रम की मांग करते हैं, जहां आलस्य बढ़ रहा है वहां रिश्तों की मिठास कड़वाहट में बदल जाती है। जहां बुराइयां बढ़ रही हैं रिश्ते कमजोर हो जाएंगे। इसलिए बुराइयों से भी बचो, गलतियों से बचो, जिंदगी ऐसी जियो कि लोग तुम्हारे लिए शुभकामना करें कि मेरी भी उम्र आपको लग जाए और आपकी लंबी आयु, मेरा स्वास्थ्य आपको मिल जाए, आपकी बीमारी हमको लग जाए, हम बीमार हो जाए लेकिन तुम स्वस्थ रहो। ऐसा घनिष्ठ प्रेम होना चाहिए। सुना जाता है, मेरे गुरु सुनाते थे, एक माँ की इकलौता बेटा था, बहुत प्रेम से उसका पालन पोषण किया है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ है, पढ़ाया लिखाया, बच्चा कलेक्टर बन गया, जिलाधिकारी बन गया, डीएम बन गया। विवाह हो गया, पढ़ी लिखी बहू आ गई, माँ को बड़ी खुशी हो गई। पढ़ी लिखी बहू जब मिलती है ना, माँ को बहुत खुशी होती है कि मैं जैसी हूँ तैसी हूँ, लेकिन मेरे घर में वेल क्वालिफाइड हायर एजुकेटेड बहू आई है। और वो माँ सासू बनकर पड़ोस की स्त्रियों से बताती रहती, मेरी बहू पीएचडी करके आई, डीलिट है, हर तरह से फिट है, खुशी बहुत है। परंतु खुशियां कब तक रहेंगी? ये खुशियों की उम्र बहुत छोटी उम्र है। खुशियां शुरू में तुमको खुश कर देती है, जब खुशियों का अंत होता है तो तुम दुख के कुएं में गिर जाते हो। जब उस बहू ने अपनी सासू की मुखड़ा को देखा, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, तो देखा कि एक आंख सासू के नहीं है, एक आंख फूटी है, अर्थात सासू कानी है। बहू का दिमाग गर्म हो गया, कह रहे मेरी सासू कानी है। और समाज में मान्यता है काना कानी को देखने से काम बिगड़ता है, अशुभ हो जाता है। कितनी खतरनाक मान्यता है हमारे समाज में। मानव समाज में बहुत सी धारणाएं झूठी धारणाएं हैं। धारणा है कि अगर किसी काम से जा रहे हो तो तेली मिल जाए तो काम बिगड़ जाएगा। भारत देश में तेली प्रधानमंत्री है, भारत का काम खूब बनता जा रहा है, तेली प्रधानमंत्री। हमारे बचपन में लोग इस मान्यता से बहुत प्रभावित थे कि तेली को देखने से काम बिगड़ जाता, किसी कानी स्त्री काने पुरुष को देखने से काम बिगड़ जाता, अशुभ हो जाता। परंतु ये धारणा गलत, ऐसा कुछ नहीं। काम बिगड़ेगा आपके गलत निर्णय लेने से, काम बिगड़ेगा आपके गलत आचरण से,
काम बिगड़ेगा आपके गलत तरीके से, काम बिगड़ेगा आपके गलत टाइमिंग से। आप टाइम पर काम शुरू नहीं करोगे तो काम तो बिगड़ेगा ही आपका। हर कार्य का एक टाइम होता है, शुभारंभ का और समापन का। जैसे 9 बजे रात को सत्संग में शुरू करूं, बिगड़ेगा प्रोग्राम, और 12 बजे रात को समाप्त करूं तो और बिगड़ेगा प्रोग्राम। प्रोग्राम भी बिगड़ेगा, स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा, सर्दी जुखाम भी होगा, कुछ और भी हो सकता। अब जो होगा सो होगा, लेकिन टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल है। तुम्हारी सफलता में एक तो प्लानिंग, नंबर एक डिसीजन, नंबर दो प्लानिंग, नंबर तीन टाइमिंग, नंबर चार मैनेजिंग, और नंबर पांच वर्किंग। ये सब चीजों का बहुत बड़ा इंप्रेस है, इफेक्ट है। आपने डिसीजन कैसा लिया? ट्रैक्टर खरीदने का डिसीजन लिया है कि कार खरीदने का, कि बस खरीदने का? जमीन एक विश्वा नहीं है, ट्रैक्टर खरीदा है दूसरों की जमीन जोतने के लिए, और तुम्हारे जैसे 20 लोगों ने ट्रैक्टर खरीद लिया, अब तुम्हें काम नहीं मिल रहा, ट्रैक्टर कर्ज से लाया, तुम फंस गए। बैंक वाले नोटिस भेज रहे हैं, नीलामी, वारंटी, गिरफ्तारी, ये वो दुनिया भर का। ट्रैक्टर भी गया, जो 2-4 बीघे जमीन थी वो भी बिक गई, प्लेटफार्म खत्म हो गया। अब पत पत्नी कटोरा लेकर घूम रहे हैं, डिसीजन गलत था आपका। सब तरफ देखकर सोचकर काम कीजिए। सबसे पहले अपनी बुद्धि का आकलन कीजिए। आपकी बुद्धि की क्षमता कैसी है, कैपेसिटी? जितने मोटिवेशनल स्पीच करते हैं, लोग कहते हैं अरे अगर वह ये काम कर सकते तुम क्यों नहीं कर सकते, गलत है। ये मोटिवेशनल स्पीच देने से काम चलने वाला नहीं, और चल सकता है अगर। एक मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा कि जीत आपकी पक्की है, अंगूठा दिखा दिया, और स्वयं चुनाव लड़ा, पूरा हार गया। उसकी लाखों किताबें बिकी, जीत आपकी, और जब चुनाव लड़ा तो हार आपकी। जो हार गया बूढ़ा हो गया, क्योंकि खुद बेइज्जती करा लिया। किस फील्ड के लायक तुम्हारा माइंड है? ज्यादातर लोग जो संस्कार है उसके विपरीत चलते हैं, हवाओं के साथ बहोगे तो यात्रा स्पीड से पूरी हो जाएगी, जल की धारा के साथ बहोगे तो स्पीड से यात्रा होगी, उल्टा बहोगे तो बड़ी कठिनाई आएगी। इसलिए विवेक कीजिए थोड़ा, अपने स्वभाव का भी आकलन करिए, तुम्हारा स्वभाव कितना कैसा है। कार्य करने की क्षमता कैसी है? द वर्क ऑफ कैपेसिटी, द नेचर ऑफ कंडीशन, आपकी करैक्टर की कंडीशन क्या है? आपका चरित्र भी आपकी हार जीत में मायने रखता है, आपकी वाणी भी आपकी सफलता और असफलता में मायने रखती है, और याद रखना आपका स्वभाव भी आपकी जिंदगी के कोने कोने में प्रभाव रखता है, और आपकी वाणी का भी प्रभाव होता है।
आपके चुप रहने का भी प्रभाव है, मौन का भी प्रभाव है। बस सवाल इतना है, कहां चुप रहना है, कहां मौन रहना है, कहां कम बोलना है, कहां धीरे बोलना है, कहां जोर से बोलना है, कहां क्या बोलना है, कहां कैसे बोलना, कहां नहीं बोलना। कभी कभी नहीं बोलने से भी सफलता मिलती है। जैसे माननीय मनमोहन सिंह जी 10 साल बोला ही नहीं, प्रधानमंत्री बैठा रहे बन करके, जिस प्रधानमंत्री पद के लिए लोग सर का पसीना एड़ी तक बहा देते, उस पद पर वो न पसीना बहाया न वोट मांगने गया, 10 साल आराम से बैठकर, लेकिन चुप रहने का रिजल्ट उसको मिला। यदि वो ज़्यादा बोलता, उनके पार्टी की हाई कमान तुरंत उनको साइड करती, वो हाँ में हाँ मिलाता था। एक दिल्ली राम प्रधान था, उत्तर प्रदेश के किसी गांव का, तो उससे लोगों ने कहा कि हमारा घर सबसे अच्छा है, तो उसने कहा हाँ तुम्हारा घर सबसे अच्छा है, तो दूसरा बोला कि मेरा घर इनसे भी अच्छा, हाँ तुम्हारा घर इनसे भी अच्छा है, फिर बोला कि तुम कल आए क्यों नहीं, हाँ हम कल आए नहीं, क्यों नहीं आए, बोले आए नहीं, आज आ गए। सबकी बात में बात मिला देता था, गांव में उसकी किसी से लड़ाई हुई ही नहीं। लोग कहते थे तुम्हारा घर बेकार, हाँ हमारा घर बेकार है, बन जाएगा कभी। अब इस सीधे स्वभाव से वो व्यक्ति गांव की लड़ाई झगड़ों से बहुत बचा। लेकिन किसी प्रकार का व्रत लेना हमेशा कठिन होता है। बहू अपनी सासू का अपमान करती है, सासू के पैर छूना बंद कर दिया, क्योंकि सासू कानी है। सासू को देखना बंद कर दिया और अपने पति से कहा सासू को गांव में छोड़ दो, शहर में चलकर रहो। पति धीरे धीरे शादी होने के बाद माँ से लगाव कम हो गया और अपनी पत्नी का आज्ञाकारी शिष्य बन गया। पत्नी के कहने से वो शहर में चला गया। पत्नी ने कहा माँ से कह दो अब यहाँ नहीं आएंगी, वहीं रहेंगे। पति ने माँ से कह दिया यहाँ मत आना, वहीं रहेंगे। माँ का मन मानता नहीं था, क्योंकि माँ अथाह मोह ममता में डूबी हुई आत्मा होती है। अज्ञान के घोर अंधकार में भटकने वाली आत्मा का नाम माँ है, और जब उस माँ के अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो ममता के अंधेरी गलियारों में उसका भटकना बंद हो जाता है, विवेक जागृत हो जाता है। फिर परिवार का कोई भी सदस्य कितना तिकड़म करे पर माँ के दिल में दुख नहीं होता है, वो मुस्करा देती है। इसी का नाम संसार। जय 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 जय। बहुत बड़ी बात।